हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान में गर्मी और टेरेस गार्डन तो ये तो देखना ही पड़ता है। और इसके कारण काफ़ी चेंजेस मेरे बगीचे में आते हैं और चेंज मुझे अच्छा लगता है। इन्हीं पौधों को जो रफ एंड टफ होंगे उनको फिर से मैं रीअरेंज करूँगी टेरेस पे। और काफ़ी कुछ पौधे जो डेलिकेट हैं और छोटे गमले में हैं उन्हें होम एंट्रेंस में ले जाऊँगी। तो आज का वीडियो इसी को लेके है कि किस तरीके से इस आंधी और तूफान राजस्थान के इससे मैंने अपने पौधों को बचाया है और होम एंट्रेंस को सजाया है। और आप इसे ज़रूर देखें। हर पौधे के बारे में भी मैं कुछ कुछ आपको आइडिया दूंगी कि गर्मी में इसका रख रखाव कैसे करें और इसका बेस्ट रिज़ल्ट कैसे पाएँ। ये मेरे डैडी हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं और हर वक्त मुझे आइडियाज़ भी देते रहते हैं। हेलो फ्रेंड, सो अब टेरेस से मैं आ गई हूँ मेरे फ्रंट गार्डन की तरफ। और आज मैं जो आपको सब पौधे फ्रंट गार्डन में बताऊंगी, आपको बहुत मज़ा आएगा इन सब पौधों को देखकर और इनके बारे में जानकर। और मेरे लिए बहुत फ़ायदे की बात है, किचन सामने ही है तो हर कुछ किचन का जो भी वेस्ट है तुरंत मैं पौधों को दे देती हूँ और मेरे पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बगीचा तो मेरा छोटा ही है पर बहुत सिलेक्टेड बहुत सुंदर प्लांट्स हैं। सामने ये तीन कूलर स्टैंड को मैंने गमला स्टैंड बना रखा है। ऊपर और नीचे की तरफ कुछ न कुछ रख दिया है बेस के लिए ताकि प्लांट्स रह सकें। ये देसी गुलाब है और है लाल रंग का, पर अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि इसका फेडेड कलर है और ये गुलाबी दिख रहा है। और देसी गुलाब इस सीज़न में भी काफ़ी फूल दे देते हैं। और इसे इस टाइम थोड़ा इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें या मॉर्निंग की कुछ टाइम की सनलाइट मिले तो अच्छा रहता है। खाद देना बंद कर दें, गर्मी में पौधों को खाद कम या ना के बराबर दें। मैं इन्हें बारिश के मौसम के बाद और विंटर सीज़न में खाद देती हूँ। विंटर में थोड़ा केमिकल खाद और बाकी जनरली मैं वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर डालती हूँ। और पौधे की हर वक्त गुडाई करते रहना ज़रूरी है ताकि पानी बना रहे नीचे तक गमलों में। ये हल्की फुल्की कोलियस बास्केट है क्योंकि इसके नीचे मिट्टी कम है और पत्तियों की खाद ज़्यादा है। और वो मैं जब भी प्लांट्स की कटिंग करती हूँ तो इस तरीके से ब्लैक बास्केट में डाल देती हूँ, ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ और पौधा लगा देती हूँ। तो बास्केट भी हल्की फुल्की और पौधा भी बहुत अच्छा पनपता है। तो इस तरीके से मैं कोलियस को, ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, इसकी जड़ें भी बहुत शैलो रहती हैं, तो इस तरीके से इसको बास्केट में हम तैयार कर सकते हैं। इस कोलियस प्लांट की ये खासियत है कि आंधी में काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा गमला फैला हुआ था पौधे से और आंधी में काफ़ी पत्तियाँ टहनियाँ टूट गई। तो इसे मैंने इस तरफ लगा दिया है ताकि वन साइड कोलियस और दूसरी तरफ मेरे दूसरे पौधों को मैं डिस्प्ले कर सकूं। और ये पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड के अंदर मैंने आरेका पाम का छोटा प्लांट रख रखा है। इसे मैंने पॉलीथीन में ही रहने दिया है, पॉलीथीन हटाया नहीं है क्योंकि गर्मियों के सीज़न में जब भी आप प्लांट्स लाते हैं उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। राजस्थान में यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री तक टच करता है तो आप पौधों को ज़्यादा एक गमले से दूसरे गमले में या चेंज ना करें, एकदम से पौधा शॉक में चला जाता है। फॉक्स टेल फर्न है, बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है और अगर बाहर इसे छाया मिलती है तो शेड में पोर्च में बहुत अच्छी तरीके से ये पनपता है। और इस कप में मैंने नाग चंपा की कटिंग रख रखी है, सब में जड़ें आ गई हैं। बरसात के सीज़न में इन्हें मैं बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर लूँगी, तब तक इस छोटे मग में डेकोरेशन के लिए रख दिया है, बहुत सुंदर लगता है।
एक और पेंटास का प्लांट ये भी है, दोनों ही पिंक कलर में हैं, रेड पर्पल वाइट और भी इस तरीके के कलर्स इसमें मिलते हैं। बारहमासी पौधा है, पेरिनियल है, विंटर्स में समर्स में दोनों टाइम आपको इसमें फ्लावर्स दिखेंगे। ये पेंटास के फ्लावर्स हैं, गुच्छों में आते हैं, अभी और फ्लावरिंग होगी। किचन का रिनोवेशन हुआ था तो ये किचन के रैक्स हैं जो मैंने इस तरीके से कूलर स्टैंड पे रख दिए हैं। ये वर्बीना बास्केट्स हैं, ये दूसरे टाइप की वर्बीना बास्केट्स हैं जो समर्स में फ्लावरिंग करती हैं। बारहमासी इसके फ्लावर्स चलते हैं और एक बार ये फ्लावर्स पूरे हो जाने पे आप अच्छी तरीके से इसकी कटिंग कर दें तो फिर से और बंचेस निकलते हैं फ्लावर्स के नई फुटान के साथ। इस पॉट की ख़ास बात है, मैंने काफ़ी सारे होल्स कर दिए थे और एक एक लीफ डाल दी थी जड़ के साथ मनी प्लांट की, तो सब जगह से मनी प्लांट फूट पड़ा है। इस तरीके से मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि अकेले पत्तियां ऊपर पानी में तैर रही थी तो इससे तैरना बंद हो गया और स्टेबिलिटी आ गई। ये रिबन ग्रास है, बहुत सुंदर लगती है, इसे भी थोड़ी छांव और पानी नमी मिलती रहे तो बहुत सुंदर लगती है। इसके आसपास आप पोटुलिका फ्लावर्स की कटिंग्स लगा सकते हैं तो ग्रीन के साथ कलर्स एक अलग लुक देगा। और इसमें नीचे मैंने रख रखा है वेरीगेटेड मनी प्लांट, वाइट शेड इसमें है वाइट और ग्रीन का। ये है पोइनशेटिया, इसको अंदर रख रखा है इससे ये फुटान भी ले रहा है और गर्मी से बचा हुआ है। ये कैलेडियम का प्लांट है और बल्ब से लगता है, इसे लगाने का सही टाइम है फरवरी मार्च, नहीं तो आप फिर नर्सरी से लेके आएँ और इस टाइम में बहुत अच्छे पनपता है, अंदर बल्ब भी मल्टीप्लाई होते हैं, कई शेड्स में आता है और इसको इंडोर भी रख सकते हैं। इसे मॉइस्चर चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। यहाँ पे फिर से ये कोलियस है, स्पाइडर प्लांट है, सब ठंडक पसंद करते हैं, इसे मैं ढूंढ ढूंढ के इन्हें नीचे ले आई हूँ ताकि मैं ध्यान रख सकूँ, धूप से बचा सकूँ। यहाँ पे राजस्थान में लू चलती है तो हमें टेरेस गार्डन से इस तरीके के पौधे नीचे लाने ही पड़ते हैं शेड में। और ये पोइनशेटिया है, इसे भी मैंने अंदर रख रखा है ताकि ये सर्दियों के लिए मेरे लिए बचा रहे पौधा। और ये फिर से दूसरी वैरायटी का कोलियस प्लांट है, बहुत टॉल हो गया है तो दोनों कूलर स्टैंड के बीच में बहुत सुंदर लग रहा है, कंप्लीट हाइट ले ली है इस पौधे ने। ये बेबी सनरोज है और इसे मैंने इस जाली में रख रखा है, ये तलने वाला जो जाली होती है वो टूट गई थी तो मैंने किचन में से निकाल के इसको अपने गार्डन में सजा दिया है। और एमरेलिस लिली के फ्लावर्स हैं और ये पौधा शिफ्टिंग के वक्त टूट गया था, ये देखो पूरा लटक गया था फ्लावर, तो मैंने इसे पानी में डाल दिया पूरा कटिंग करके तो ये पूरा स्ट्रेट हो गया फिर से। और ये देखो कुदरत का तरीका, ये अपने आप फटा है ताकि इसमें से जार में से पानी ले सके। और ये है केन बास्केट है, यहाँ पे राजस्थान में मैरिजेस में लगभग काफ़ी चीज़ें गिफ्ट की जाती है इसमें पैक करके, तो मैं ये ले आई, कूलर स्टैंड पे रखा है ताकि बहुत सुंदर तरीके से मैं अपने प्लांट्स इस बास्केट्स में केन बास्केट में डेकोरेट कर सकूँ। और ये मटका स्टैंड है, मटके स्टैंड के ऊपर मैंने बेबी सनरोज की फ्लावर बास्केट्स रख रखी है ताकि एक बहुत अच्छा शेड बन सके। और मेरे प्रिय बुद्धा यहाँ पे विराजमान है, कुछ चीज़ें हम आसपास हमारी इस तरीके से रखते हैं तो एक पवित्र विचार मन में आते हैं, बगीचे में कुछ अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। जब भी हम मनी प्लांट लगाएं तो छोटे मुंह वाले
बॉटल में अगर हम लगाते हैं तो जड़ें अच्छी तरीके से फैल जाती हैं और बहुत अच्छा बेस मिल जाता है। ये प्लांट निकलेगा नहीं, अंदर फिक्स हो गया है, जड़ें पूरी अच्छी तरीके से फैल गई। काफ़ी पुराना प्लांट है तो इस तरीके से लीफ निखर के सब जगह से आती हैं और टेबल पे बहुत सुंदर लग सकता है प्लांट। और एमरेलस लिली की खास बात यह है, प्लांट में फूल खिले उसके बाद अगर आप कट करके इस तरीके से घर में वास में रखेंगे तो काफ़ी दिन तक घर में खिला हुआ रहता है, अगर आप इसकी डंडी नीचे से बीच बीच में काटते रहें तो। ऊपर छत पर मेरे काफ़ी मोगरा के प्लांट्स हैं क्योंकि मोगरा गर्मी अच्छी तरीके से सहन कर सकता है, धूप गर्मी पर। एक मैंने अपना यहाँ पे रख रखा है शेड में, और शेड में अगर हम मोगरा रखते हैं तो एक फ़ायदा ये रहता है जो फूल खिलते हैं काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, धूप के कारण पौधे फूल जल नहीं जाते। और ये मेरे फेवरेट स्पाइडर प्लांट है, ख़ास बात ये इनकी ये है कि ये काफ़ी बेबीज आते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। ये तो इस तरीके से हम कहीं पे भी रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। हाइट में रखते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये मौसम है इसका, इसको नमी और गर्माहट चाहिए तो समर्स में स्पाइडर प्लांट बहुत निखर के आता है। इसको घर में भी हम काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, बहुत अच्छा इंडोर प्लांट भी है, शेड लविंग प्लांट है। ये रफ एंड टफ डिलेंथस का प्लांट है और काफ़ी दिनों तक घर में आप इसे रख सकते हैं, कई बार पानी देना भी भूल जाएं तो ये पौधा फिर भी खिला रहता है। ये पोटैटो वाइन है और इसकी मैंने कटिंग से ग्रोथ की है, मनी प्लांट साथ में लगा रखा है। और इस बास्केट में ग्रीन और पर्पल दोनों कलर की वाइन्स लगा रखी हैं ताकि एक बहुत सुंदर फॉल आएगा कलरफुल। तो इस तरीके से आप बास्केट मिक्स करके लगा सकते हैं। ड्रेसिना है, ड्रेसिना की सुंदरता है कि एकदम टॉल और हरा भरा गमला लगता है पौधों का। और उसके साथ ये एमरेलस लिली है फ्लावर्स, ये पुराना गमला है और इसमें काफ़ी सारे बल्ब्स हैं, जितने बल्ब्स होते हैं उतने फ्लावर्स आते हैं। और ये मनी प्लांट की मैंने कटिंग कर दी थी, काफ़ी भर गया था गमला तो अब मैंने कटिंग कर दी है और इसको सबको मॉस्टिक पे चलाऊंगी तो पत्तियां बड़ी हो जाएंगी। ये पीस लिली फ्लावर्स हैं, पीस लिली का प्लांट है और फ्लावर्स को आए हुए लगभग एक महीना हो गया है। छत पे था, अब नीचे ले आई हूँ तो पौधा हेल्दी हो जाएगा। मैं आपको मेरे शू स्टैंड के पास ले जाती हूँ। ऊपर मैंने तीन पॉट्स रख रखे हैं, ख़ास ये है अपना बैम्बू प्लांट, थोड़ा छोटी पत्तियों वाला बैम्बू प्लांट है पर इस सीज़न में पत्तियाँ हरी भरी हो जाती हैं। ये आसानी से डंडी से कटिंग से लग जाता है। साइप्रस का प्लांट है, इसकी ये पत्तियाँ पीली होने लगी थी तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पौधे को परेशानी है। पॉट छोटा था तो मैंने अभी थोड़ा सा बड़े पॉट में इसे चेंज कर दिया है। इस समर सीज़न में लांटाना फ्लावरिंग प्लांट्स ज़रूर लगाएं, पॉट में लग जाते हैं, ज़मीन में लग जाते हैं, हेज जैसे लग जाते हैं, बास्केट्स में आप लगा सकते हैं और पूरा फूलों से भर जाता है, काफ़ी कलर्स आते हैं। मेरे पास रेड, येलो, पर्पल और वाइट है। रेड येलो मैंने लगा रखे हैं पॉट में और पर्पल और वाइट मैंने बास्केट्स तैयार की हैं। एस्पेरेगस प्लांट बास्केट्स हैं ये और समर सीज़न के लिए बहुत सुंदर प्लांट है, पूरा ग्रीन लुक देता है।
इस बास्केट में मैंने पोटुलिका के फ्लावर्स की कटिंग्स लगाई हैं, तो ग्रीन के साथ ये कलरफुल फ्लावर्स बहुत अच्छा शो देंगे। ये कोचिया प्लांट है, एक बार डेवलप हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा, पूरा पॉट लश ग्रीन नज़र आएगा। ग्रीन कलर ही इसकी सुंदरता है। और फिर मैंने ये लास्ट रेनी सीजन में जामुन के बीज डाले थे, तो सर्दी गर्मी दोनों टाइम पौधे ने इसी तरीके का सुंदर लुक दिया है। पत्तियों में बहुत अच्छी खुशबू आती है जामुन की, बहुत सुंदर प्लांट है। इस तरीके से कुछ बीज आप ऐसे डालें तो ये प्लांट इंडोर आउटडोर शेड में ब्यूटी बढ़ाता है। ये दूसरे एक और कोचिया का प्लांट है, और ये आप गर्मी के सीज़न में ज़रूर लगाएं। केले का प्लांट होना घर में शुभ माना जाता है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी, और मन में भी अच्छा एक फील आता है। और ये है पीले रंग की कनेर, मेरे पास सफ़ेद गुलाबी और अब पीले रंग की हो गई है, कल ही इसे मैं लेके आई हूँ। ये पहली बार मुझे टिकोमा की फ्लावरिंग बास्केट मिली है। ये बेल नुमा चलेगा, सब जगह से ड्रूप होगा और पत्तियाँ वेरीगेटेड हैं। फ्लावर्स इसमें वाइट रंग के आएंगे। अब इस कॉर्नर के पॉट की खास बात मैं बताती हूँ आपको। ये बड़े से पॉट में मैंने किचन वेस्ट भर रखा है, ऊपर लेयरिंग दी है वर्मी कंपोस्ट की, गार्डन सॉइल की और नीम की पत्तियों की, तो इसमें बढ़िया कंपोस्ट तैयार हो रहा है। और उसके ऊपर मैंने ये तीन पॉट्स कर रखे हैं, प्लस इसके अंदर पॉट के मिट्टी में मैंने चमेली की बेल लगा रखी है। तो अपने आप अब मुझे इंतज़ार नहीं करना, अंदर कंपोस्ट तैयार होता रहेगा और ऊपर मेरा प्लांट तैयार हो रहा है चमेली की बेल। एक बार ये थोड़ी बड़ी होगी तो इसको मैं बहुत अच्छा ट्रेलिस सारे के लिए तैयार कर दूँगी इस पौधे के लिए। और ये है कनेर की कटिंग, सब में रूट्स आ गई हैं, पर मैं अभी थोड़े दिन के लिए इसको इसी में रखूँगी क्योंकि मुझे ये सुंदर लगता है पॉट। और कभी आप इसे इंडोर में भी रख सकते हैं, कभी आप मोगरे की कटिंग या और कोई फ्लावर कटिंग रख रहे हैं तो ये अच्छा बैकग्राउंड बन जाता है। और रेनी सीजन में मैं बड़े पॉट्स तैयार करूँगी कनेर की छत के लिए। जब भी मैं इसमें पानी देती हूँ तो नीचे पानी कलेक्ट हो जाता है, और ये पानी बहुत ही अच्छा होता है। मैं इस पानी को इंडोर प्लांट्स में डालती हूँ, तो सारा न्यूट्रिशन रिच पानी ये मुझे इंडोर प्लांट्स के लिए तैयार होता है पानी। और ये अगेव का प्लांट है, ये छोटे गमले में, बड़े गमले में, किसी भी गमले में और कैसी भी कंडीशन में बहुत सुंदर पनप जाता है। रफ़ एंड टफ प्लांट है, तो समर्स में आप इसे इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर रख सकते हैं, शेड में रख सकते हैं, तेज धूप में रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर पौधा है। छोटे छोटे मटके नुमा कंटेनर होते हैं, उनमें भी आप रख सकते हैं और बॉर्डर बना सकते हैं। और ये अम्ब्रेला प्लांट है, इसे नमी चाहिए। ये नाग चंपा के पौधे ने हाइट पकड़ ली है और ऊपर से फुटान आ रही है, नीचे अभी टहनियाँ खाली हैं, तो मैंने ये एलोवेरा का पौधा रख रखा है ताकि एलोवेरा का पौधा अभी थोड़ा भारी हो गया है, इसमें जेल भरा हुआ है, तो इसे बहुत अच्छा सहारा मिल गया और प्लांट नीचे से हरा भरा लग रहा है और अच्छा लुक आ रहा है। इस सीज़न में ये राखी बेल बहुत अच्छी पनपती है, ये काफ़ी कलियाँ भी आ रही हैं। और ये टहनी मैं वॉक के लिए गई थी बगीचे में, तो ये टहनी लेके आई ताकि इसको एक बेस मिल जाए बेल को ऊपर चढ़ने के लिए। ये रेड पर्पल इस तरीके से कलर में आती है, ये वाली पर्पल कलर की है। इस वीडियो का यह आखिरी
पर बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसका मुझे पनपने का इंतज़ार है। आशा करती हूँ आपको इस पौधे के बारे में पता होगा। अगर आप इसे नहीं जानते तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सुंदरता ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए आप गैस करें और मुझे इसका आंसर आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेचर हैज़ गॉट एंडलेस ब्यूटी। फिर मिलूंगी इसी तरीके से कुदरत के नए खजाने के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, लव यू।